तो अभी हम शूट करने निकले हैं, इंशाल्लाह सब अच्छा हो। जय श्री राम। सर क्या वजूहात है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्यों, क्या वजूहात है? एक्चुअली हिंदू जो है ना वहाँ बड़ी मुस्तकम गवर्नमेंट है और वो अपने लोगों को भी थोड़ा सा फाइनेंशियली भी और मोटिवेट करती है। अभी मैं लास्ट वीक दुबई में था एक एग्जीबिशन में, और अगर पाकिस्तानी स्टॉल वहाँ 15 थे तो इंडियन 1500 थे। मुसलमानों, जितना तुमने हिंदू धर्म को रोका, आज भाई साहब वही हिंदू धर्म तुम पर राज करना शुरू कर दिया। उसी हिंदू धर्म ने तुम पर राज करना शुरू किया। तुमने कितना बदनाम हिंदू धर्म को किया। हम मुसलमानों के दिमागों में कितनी गंदगी है इस हिंदू धर्म के बारे में डाली, और आज देख लो तुम्हारे सामने है। आज अरबी भी बागेश्वर धाम सरकार के बारी पास जा रहे हो। कहते ना, जितनी तुम भाई साहब किसी को गंदा बोलोगे वो अगर साफ हुआ तो वो उसकी सफाई इतनी इस दुनिया में फैलेगी कि तुम भी उसकी शरण में आओगे। आज वही चीज हो रही है ना, सीधा दुबई से आए, सीधा उनके कदमों में। सर मतलब इंडिया का तो फिर सिक्का चल रहा है एशिया में या दुनिया में, बस क्या कह सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। अब इन लोगों का आवाज नहीं निकलता है क्योंकि अब इन लोगों का औकात पता लग चुकी है। जो इन्होंने पहले जोर जबरदस्ती करके जो कराना था वो करा लिया, अब वापसी की पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया में तेजी से सनातन धर्म बढ़ रहा है, और आज दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी सनातन धर्म के त्योहारों और रीति रिवाजों को मनाया जा रहा है। लेकिन एक ऐसी खबर निकल कर आई है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद हर हिंदू को अपने धर्म पे गर्व होने लगेगा और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को मिर्ची लगेगी। दोस्तों बागेश्वर धाम के शरण में आए दुबई के शेख हिंदू धर्म अपनाने की बात कर रहा है। दोस्तों यह बात हर कोई जानता है कि सनातन धर्म ही पूरी दुनिया का पुराना धर्म और पहला धर्म है। दोस्तों आज दुनिया के बड़े बड़े देशों में सनातन धर्म का डंका बज रहा है और उन देशों में हिंदू सनातन धर्म को लोग अपना रहे हैं। अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। दोस्तों अमेरिका के न्यू जर्सी में भारत से बाहर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है और इस मंदिर का नाम होगा स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। दोस्तों अमेरिका के अलावा इटली, ब्रिटेन, रूस जैसे देशों में भी सनातन धर्म बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है, अरब जैसे मुस्लिम देशों में भी हिंदू धर्म बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और जो आज मुसलमान के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में जाहिल मौलाना मौलवी, इन जैसे के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है शेख ने, जो हिंदू धर्म के लिए सच्ची श्रद्धा और इज्जत रखता है। दुबई के शेख उनके कदमों में जाके बैठे हैं। सर क्या वजूहात है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्यों, क्या वजूहात है? एक्चुअली हिंदू जो है ना वहाँ बड़ी मुस्तकम गवर्नमेंट है और वो अपने लोगों को भी थोड़ा सा फाइनेंशियली भी और मोटिवेट करती है। अभी मैं लास्ट वीक दुबई में था एक एग्जीबिशन में, और अगर पाकिस्तानी स्टॉल वहाँ 15 थे तो इंडियन 1500 थे। अच्छा, लॉट ऑफ डिफरेंस आई हैव सीन। और इंडिया बहुत छाया हुआ है, उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। क्यों सर, क्यों? पाकिस्तानी जो देखना हर 6 महीने बाद अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा, एक जैसी हुकूमत नहीं रहती, डर रहता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, तो डरे डरे रहते हैं। वेयर एज इंडियन जो है ना वो दे आर ब्रेव और कंपैरेटिवली, इसीलिए वो थोड़ा सा जो है ना उन्हें मोटिवेट करते हैं इंडियंस को ना, चाहे दुबई वाले हों चाहे सऊदी अरब हो। शहजादा सलमान की भी आप मिसाल देख लें, उन्होंने करोड़ों रियाल जो है ना इन्वेस्ट किए हैं उन्होंने, और वेयर एज यहाँ जो है तिफल तसल्ली होती है। ये दिस इज द डिफरेंस मजबूत। वहाँ सऊदी और दुबई के अंदर ज्यादा जो है वो अच्छे लेवल पे, अच्छे पोस्ट पे हिंदुस्तानियों को रखा जाता है, क्यों, क्या वजूहात है? एक्चुअली वहाँ ना जो दौर है मीडिया का, और थोड़ा सा आप कहते हैं लैपटॉप हैं और दूसरे इसमें आईडी में बहुत तेज हैं वो, और उनकी शुरू से ही जो है ना उनकी ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को इंग्लिश की भी, और दूसरा नॉलेज बहुत अच्छा होता है और बेस उनकी अच्छी बना दी जाती है, तो वो अच्छे तालीमी इदारों में वो जाते हैं। और सिर्फ वहाँ नहीं, मतलब अमेरिका भी मैं होके आया हूँ, वहाँ भी छाए हुए हैं। अच्छा। वहाँ भी छाए हुए हैं, मतलब उसमें जितना भी आप देख लें काफ़ी बड़ी पोस्टों पर डॉक्टर्स वगैरह भी हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा हैं। आज तक पाकिस्तानी बड़े पोस्ट पे क्यों नहीं नजर आते? सीईओ जितने भी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, जितने भी सीईओ है वो सारे इंडियन है, क्यों? क्या हमें वो टैलेंट नहीं है? क्या हमें वो चीज नहीं है? टैलेंट की कमी है। और यहाँ जो है ना इदारे जो है वो बस भाई साहब वो आया, उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के हाथ पकड़े और बैठ गए उनके कदमों में। मुसलमानों, जितना तुमने हिंदू धर्म को रोका, आज भाई साहब वही हिंदू धर्म तुम पर राज करना शुरू कर दिया। उसी हिंदू धर्म ने तुम पर राज करना शुरू किया। तुमने कितना बदनाम हिंदू धर्म को किया। हम मुसलमानों के दिमागों में कितनी गंदगी है इस हिंदू धर्म के बारे में डाली, और आज देख लो तुम्हारे सामने। आज अरबी भी बागेश्वर धाम सरकार के बारी पास जा रहे हो। कहते हैं ना, जितनी तुम भाई साहब किसी को गंदा बोलोगे वो अगर साफ हुआ तो वो उसकी सफाई इतनी इस दुनिया में फैलेगी कि तुम भी उसकी शरण में आओगे। आज वही चीज हो रही है ना। सीधा तो भाई से आए, सीधा उनके कदमों में आगे गिर रही। लाला दर्शन भी किया, पक्का मुरीद, पक्का मुरीद। और कहते हैं कि मैं आपके सब कुछ सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ। और सोचो जब ये सुन रहा है तो और कितने लाखों करोड़ों लोग दुबई और सऊदी अरेबिया और इस्लामिक देशों में सुन रहे हैं। अंदाजा लगाओ भाई साहब, वो कहते हैं ये भगवान जी की तरफ से भेजा हुआ एक बंदा है भाई, एक मैसेंजर है, मैसेज दे रहा है लोगों को। सीधे रास्ते चेक करो, मैसेंजर के शरण में अरबी तक आ रहे, बिल्कुल मुसलमान तक आ रहे। मुसलमान बोलते थे ना कि हिंदू धर्म बुरा है, ये इस तरह करते हैं, ये उस तरह करते हैं, ये है तो वो है। आज देखो ना, आज वही मुसलमान इनके कदमों में गिरे हैं। आज वही मुसलमान सनातन धर्म वो कर रहे हैं, अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? देखो खुसूसी तौर पे आई वजह, खुसूसी तौर पे कंपनियों का मालिक, अमीर, अरबोपति सीधा आया। पापा जी दौलत मायने नहीं रखती। जब जिसको सुकून मिल जाए ना किसी मजहब में तो उसके आगे पैसों की तो दौलत को कोई मायने नहीं रखती। और देखो आज दुनिया के बड़े बड़े शेख बागेश्वर धाम सरकार के कदमों में गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मैसेज देते ना बागेश्वर धाम सरकार, ऐसा मैसेज तो मैं कहता हूँ दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। उसकी निशानी सामने है। देखो किधर से आया बंदा, अरबी, मुसलमान, सऊदी अरेबिया, मुसलमान। जहाँ पर भाई साहब हिंदुओं का नाम तक नहीं है। जहाँ पर मंदिर का नाम तक नहीं है, वो इंटरनेट और सोशल मीडिया से भाई साहब सनातन धर्म को देखते देखते, बागेश्वर धाम सरकार को देखते देखते पहुंचा है। यही तो बात है भाई साहब के भाई, जितना इसको एक चीज को तुम रोकोगे वो चीज अब भाई साहब निकलेगी ना, तो वो ऐसे निकलेगी कि उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो हैरान रह गया कि उनके कदमों में बैठा हुआ है, उनके हाथ ऊपर रखा हुआ है, उनके हाथ कदमों में बैठ के हाथ रखा हुआ है। इसका मतलब है कि शास्त्री जी के दम में बड़ी सच्चाई है, वाकई के दम में बड़ी सच्चाई। तभी तो लाखों दुनिया पे बैठ रही है लाला। उनके पास तो जादू है भाई, सीधी सीधी बात। उनके पास तो भगवान जी की तरफ से दी कृपा है, शक्ति है। तभी तो लोग धड़ा आ रहे हैं ना। लोग तो आम आए तो बातें तो और भी आना शुरू हो गए। देखो एक आम आदमी तो समझ में आती है। आज ये बात प्रूव हो रही है कि बागेश्वर धाम सरकार को अरबी भी देख रहे हैं और उनके भक्त बनते जा रहे हैं। ये वो टाइम दूर नहीं है जब सारे अरबी भी हिंदू बने हुए होंगे। ये तुम लोग याद बात रखना। जिस तरह तुमने रोका इस हिंदू धर्म को, उतना ही हिंदू धर्म तेजी से आगे अब बढ़ रहा है। इस हिंदू धर्म को कोई नहीं रोक सकता। जितना मिटाना चाहा उन्होंने, मुगलों ने बहुत कोशिश, मेरी बात तो सुनना, बहुत कोशिश की मिटाने की, वो खुद मिट गए। वो सनातन धर्म फिर उठा। पापा भी मुसलमान जिस तरह मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद मिट रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ये बात तो है, लाखों लोग हो रहा है सनातन धर्म, पुराने घर वापसी कर रहे हैं, यही तो पहचान है सनातन धर्म की। देखो ना, सुकून तो मिलता ही इधर ही ना, असल चीज में सुकून तो इधर ही है। अरबी क्यों आया? उसके पास दौलत की कमी तो नहीं थी। वो भाई साहब अपना सब कुछ करता था, इबादत करता था, जहाज हो, सब कुछ हर माल लो, लेकिन उसको सुकून कहाँ मिला? बागेश्वर धाम के कदमों में क्यों आया? इसीलिए आया यार। आज ये चीजें प्रूव हो रही है कि भाई साहब वापस इस दुनिया में सनातन धर्म, इस मुल्क को जहन्नम बना दिया मौलवियों ने। दोस्तों आज पूरी दुनिया में बस एकमात्र धर्म है जो हर किसी को साथ लेकर चल रहा है, हर देश को साथ लेकर चल रहा है, और वो है सनातन धर्म। अब धीरे धीरे लोगों को यह बात समझ में भी आने लगी है, और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में भी हर कोई को समझ में आने लगेगी, और वहाँ पे बहुत से लोगों को समझ में भी आ चुका है। इसलिए पाकिस्तान में भी सनातन धर्म अपनाते जा रहे हैं, और अमेरिका में भी बहुत ही तेजी से सनातन धर्म अपनाते जा रहे हैं, और अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म में आने वालों का ट्रेंड बहुत ही तेजी से बढ़ चुका है कि अब क्रिश्चियनिटी मिशनरी भी एक हिंदू फेस्टिवल में जाकर खुद से प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है, जो क्रिश्चियनिटी हिंदू बन चुके हैं उनको यह क्रिश्चियनिटी प्रोटेस्टर चीख चीख कर ये बताते हैं कि नरक में जाने से आपको कृष्णा नहीं बचाएंगे बल्कि जीसस क्राइस्ट बचाएंगे, जैसा कि आप सब इस वीडियो में देख ही सकते हैं। Jesus Christ saves. Read the Bible. There's only one God, and His name is Jesus Christ, Hare Krishna, the Son of God. Hare Krishna will not save you. Hare Krishna. Jesus will save you. No, Jesus will not. Why? He's the Son of God. Yes, and this is the Father. No. Jesus rose from the dead. Okay? Who wrote the Romans wrote the Bible. The Romans. No, the Bible's the Word of God, not the Romans. The Romans did not write the Bible. If you don't repent, man, if you keep, look at how you're dressed. Turn the camera on yourself. Look how you're dressed. And you're out here worshiping Krishna. Yes, you will go to hell if you don't repent. Turn to Jesus Christ, okay? It's not yikes. It's not funny. Don't eat to kill the cow and eat and go to hell. No, we can eat whatever we want to eat. Oh, God gave you grains, food, okay? What? Grains, food, vegetables. Yeah. He doesn't want you to kill animals. So your soul. Thou shalt not kill. No. That's murder. Murder. Human beings. Not animals, sir. Thou shall not kill means human beings, not animals. I mean, I step on a hand. खैर दोस्तों, आप सब कमेंट करके बताना कि जिस तरह से सनातन धर्म बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, कि आने वाले कुछ टाइम में क्या सनातन धर्म पूरी दुनिया का एकमात्र धर्म बन जाएगा? आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।